1970 के दशक में अमेरिका और भारत के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। रिलेशन इतने खराब थे कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उस टाइम के सबसे एडवांस मेन बैटल टैंक भी प्रोवाइड करा दिए थे। पर आज क्यों अमेरिका भारत को इतना सपोर्ट करता है, क्यों भारत से अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है? नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। भारत पहले से रूस के साथ रहा है और रूस अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है। अब अमेरिका रूस को कमज़ोर करने के लिए भारत को अपने साथ लाना चाहता है, जिसमें वो कई हद तक कामयाबी हुआ है। ये था पहला कारण अमेरिका का भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का। दूसरे कारण की बात करें तो वो होगा भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। अब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है, पर 2035 के बाद भारत होगा दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, जहाँ हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जैसे अभी अमेरिका चाइना पर डिपेंड है, वैसे ही फ्यूचर में अमेरिका को भारत की चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए डिपेंड होना पड़ेगा, इसलिए भी रिलेशन अच्छा चाहता है। तीसरे कारण की बात करें तो वो है चाइना। आज की बात करें तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं बल्कि चाइना है। चाइना धीरे धीरे अपने सब पड़ोसी देश पर हक जताता चला जा रहा है, उन्हें दबाता रहा है। अब चाइना को एशिया में काउंटर करने के लिए अमेरिका एक ऐसे देश को देख रहा था जो चाइना से टक्कर ले सके। एशिया में केवल भारत ही है जो चाइना को उसी की भाषा में समझाता है। तो ये था तीसरा कारण। चौथा कारण है भारत का एक बड़ा वेपन इंपोर्टर होना। तो अमेरिका अपने वेपन को भारत में बेचकर काफ़ी रुपया कमा सकता है। अब तक अमेरिका ने भारत को C-130 जे सुपर हरकुलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, अपाची अटैक हेलीकॉप्टर, चिनुक हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर, PAAT रोमियो हेलीकॉप्टर जैसे कई वेपन दिए हैं। साथ ही MMRCA टेंडर में अमेरिकन F-15, F-18 सुपर हॉर्नेट, F-21 फाइटर जेट भी भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, जिसे अगर भारत खरीदता है तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ कारण थे कि अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है। इन सब के पीछे अमेरिका का खुद का ही प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।